नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक गोयल है और मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूं। मैं सरकार का ध्यान ई वे बिल से जुड़े तकलीफों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने शनिवार को गाड़ी नवाशहर से भिवंडी के लिए भरी। सरकारी कानून के अनुसार मुझे वह माल 200 किलोमीटर का भीतर का जो माल है वो एक दिन के अंदर डेस्टिनेशन पर पहुँचाना चाहिए था। चूँकि अगला दिन एतवार था और भिवंडी के सारे गोडाउन बंद रहते हैं और वहाँ कोई किस्म की सुविधा नहीं है, ना खाना खाने की, ना कोई वॉशरूम की, तो ड्राइवर रात को कालमबुली अपने घर पर रुक गया और सोमवार की सुबह 6 बजे वो कालमबुली से थाना के लिए निकला, भिवंडी के लिए निकला। सुबह 8 बजे थाना में GST ऑफिसर ने उस गाड़ी को पकड़ लिया। चूंकि ई वे बिल एक्सपायर हो गया था, उन्होंने माल की वैल्यू का पूरा डबल वैल्यू लेकर उस गाड़ी को छोड़ा। चूंकि वैल्यू कोई भी माल की 20 लाख से नीचे नहीं होती, आप समझ सकते हैं एक छोटा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक किस तरह से इस पेनल्टी को भरेगा। जो बहुत छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, अगर साल में एक या दो किस्से भी ऐसे हो गए तो उनको तो अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा, आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारी तकलीफों को समझे और ई वे बिल को पूरी तरह अबॉलिश करें। दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, 25 जनवरी को अगर कोई भी माल लोड होगा, मान लीजिए नवाशहर से वापी के लिए, 26 जनवरी को पूरा भारत बंद रहता है, तो क्या ड्राइवर एक बंधुआ मजदूर है कि उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी और 26 तारीख को वहां पहुंचना पड़ेगा? क्या उसको हक नहीं कि वो आराम करे? और 26 जनवरी को जब फैक्ट्री बंद ही है तो वो जाके भी क्या करेगा? कोई भी फैक्ट्री या कोई भी अनलोडिंग पॉइंट पर एक ड्राइवर के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती, वहां पानी पीने तक के लिए सुविधा नहीं होती है, तो क्या उसको ये हक नहीं है कि वो आराम करे और उस दिन जाए जिस दिन गाड़ी खाली हो? सरकार इन तकलीफों पर ध्यान दे और GST की चोरी रोकने के लिए हम ट्रांसपोर्टर को मोहराना बनाए, कोई और रास्ता ढूंढे। एक बार फिर से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारी तकलीफों को समझे, वरना हमारे पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा। धन्यवाद।